हिंदी की बुक निकाली है, हिंदी की टेक्स्ट बुक, टिपी टिपी टैप टेक्स्ट बुक लिखी है, क्लास वर्क और आज की तारीख ऑन द पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 खोलना है आपको और उस पे आज की तारीख और क्लास वर्क लिखनी है। ओके, तो अब तक हमने अ से अहां तक लेके स्वर और क से य तक ले ञ तक व्यंजन सीखे हैं, है ना। तो ञ तक के बाद से वाला जो व्यंजन आएगा वो आज हम सीखेंगे। तो उसके बाद क्या है, ट। इस व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, ट। बोलिए बच्चों, ट कौन सा व्यंजन है ये, कौन सा व्यंजन है, ट। ट से टमाटर। बोलिए बच्चों, ट से टमाटर। ट से टब, पानी का टब। ट से टब। ट से टहनी, टहनी यानी के, टहनी यानी मतलब क्या, ब्रांच। ओके, ब्रांच ऑफ ट्री, ट से टहनी। तो ये जो शब्द अभी हमने पढ़े वो कौन से व्यंजन के साथ स्टार्ट होते हैं, ट के साथ। ओके, ट से टमाटर। देखिए बच्चों, मैं अब कविता पढ़ने वाली हूँ। ट से टमाटर सूप बनाए, सब्जी सलाद की रंगत बढ़ाए। ओके, टमाटर हम सब में यूज करते हैं ना, मम्मा टमाटर सब में यूज करती है, सब्जी में यूज करती है, हम सलाद में रॉ टमाटो खाते हैं, सूप बनाते हैं टमाटो का, बहुत सारी चीजें बनाते हैं ना, टमाटो से सॉस आता है ना। तो क्या है कविता, बोलिए। ट से टमाटर, बोलिए बच्चों, ट से टमाटर सूप बनाए, सूप बनाए, सब्जी सलाद की, सब्जी सलाद की रंगत पढ़ाए। ट से टमाटर सूप बनाए, सब्जी सलाद की रंगत बनाए बढ़ाए। ओके, तो चलो अपनी पेंसिल निकालिए। अब हम देखते हैं कि ये जो ट व्यंजन है वो लिखते कैसे है। ठीक है, ट व्यंजन हम देखेंगे कि लिखते कैसे है। तो पहले आपको सी डब्ल्यू और आज की तारीख 12 अक्टूबर 2021 लिखनी है और क्लास वर्क लिखनी है। और फिर आप देखते हैं कि थ्री लाइंस में हम ट कैसे लिखते हैं। ओके, तो बच्चों पेंसिल निकालिए और पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहली और दूसरी लाइन है उसके बीच में हम लिखेंगे छोटी सी खड़ी रेशा यानी कि स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में एक ऐसे सेमी सर्कल लिखेंगे। ओके, एक ऐसे सेमी सर्कल हम लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक आएगी स्लीपिंग लाइन, फर्स्ट लाइन के ऊपर, पहले लाइन के ऊपर, ये बन गया ट। है ना आसान, बहुत आसान है ना, आसान लिखना। चलो 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 जल्दी जल्दी लिखो। ट से टमाटर, ट से टब, ट से
टहनी यानी कि ब्रांच। ओके, ऐसे आपको बोलते हुए अच्छे से ट्रेस करना है। ओके, आपको बोलते बोलते अच्छे से ट्रेस करना है, ठीक है। ट से टमाटर सूप बनाए, सब्जी सलाद की रंगत बढ़ाए। ट से टमाटर सूप बनाए, सब्जी सलाद की रंगत बढ़ाए। ट से टमाटर, ट से टब, ट से टहनी, कोई भी वर्ड आप बोलते हुए लिख सकते हो। ओके, लेकिन आपको बोलते हुए ही लिखना है। आपको अच्छे से बोलते हुए लिखना है। अरे वादीरा, वेरी गुड। सो अली, बहुत जल्दी जल्दी फिनिश किया आपने। यस, आपने स्टिकर भी बहुत अच्छे से लगाया है। अरे वाह मनवीत, आपने भी जल्दी जल्दी फिनिश किया। वेरी गुड मनवीत, जल्दी 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 लिखिए। ट से टमाटर बोलते हुए लिखना है आपको। टमाटर। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अद्वैत हो गया आपका? अभी ठीक है। आदिश फिनिश्ड? फिनिश्ड। अरे वाह, आदिश का तो बहुत जल्दी हो गया। वेरी गुड आदिश, फिनिश्ड टीचर। वेरी गुड रिया। अद्वैत आपको हो गया बेटा? मैडम कितना नंबर है वो तो बताइए। आई हैव टोल्ड ना, पेज नंबर 58 फ्रॉम योर टीबीटीबी टैब बुक। ओके, तो बच्चों ट के बाद जो व्यंजन आएगा वो है ठ। ये देखिए बच्चों, ट के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ठ। बोलिए बच्चों, ठ ठ। अब आपको मेरे आवाज में जो शब्द मैं बोलूंगी वो आपको दोहराने हैं। ओके, ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा, ठ से ठप्पा यानी कि स्टैम्प। ओके, स्टैम्प। ठ से ठप्पा, ठ से ठप ठप। नॉक नॉक करते हो ना आप डोर के ऊपर, डोर के ऊपर ऐसे नॉक नॉक करते हो ना, वैसे क्या हिंदी में है? ठप ठप। ठ से ठप ठप। ओके, नॉक नॉक करके दिखाइए सब लोग मुझे। नॉक नॉक आप कैसे करते हो दिखाइए। यस, अब हिंदी में बोलिए ठप ठप। बोलिए हिंदी में ठप ठप। चलो अब हम, हाँ हाँ अदीरा, चलो अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटी सी कविता है ना वो गुनगुनाएंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, मेरे बाद में आपको दोहराना है। ठ से ठठेरा,
बोलिए बर्तन बना व्यापार है करता बर्तन बना व्यापार है करता क्या है कविता ये जो ठटेरा है ना वो क्या करता है बर्तन बनाता है कैसे ठक ठक करके ये जो ठटेरा है वो औजार लेके जो वो जो ठटेरा है वो औजार लेके बर्तन के ऊपर ठक 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 करके एक अच्छा सा बर्तन बनाता है और व्यापार करता है वो बेचता है ओके सो ठ से ठटेरा ठक ठक करता बर्तन बना व्यापार है करता। तो चलो बच्चों अब आपको क्या करना है अब आपको पेंसिल लेनी है और ठ लिखना है ओके यस आपको ठ लिखना है मैडम 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 व्हाट फिनिश्ड वेरी गुड तो बच्चों पेज के ऊपर लिखिए सी डब्ल्यू और आज की तारीख 12 अक्टूबर 2021 ठीक है अब हम देखते हैं कि ठ तीन लाइन में हमें कैसे लिखना है ओके ठीक है तो पहले आपको क्या करना है ये जो पहली और दूसरी लाइन है उसके बीच में छोटा सा सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ओके सेमी सर्कल ड्रॉ करना है फिर उसके बाद ऐसे सेमी सर्कल नीचे की ओर लेके आना है ठीक है फिर ये जो सेमी सर्कल आएगा वो फिर से यहाँ तक और ऊपर स्लीपिंग लाइन ये बन गया ठ ठ से ठटेरा ठ से ठप्पा ठ से ठेला ठेला यानी कि जो सब्जियां बेचने वाले आते हैं ना जिसके ऊपर वो सब्जियां रखते हैं उसे ठेला बोलते हैं स ठ से ठेला ओके फिनिश वेरी गुड सबका हो गया लिख के वेरी गुड अद्वैत यस फिनिश्ड ओके तो चलो बच्चों जल्दी जल्दी से अभी आपको आपकी नोटबुक में ट से टमाटर और ठ से ठेला लिखना है ओके तो अपनी हिंदी की थ्री लाइन वाली नोटबुक निकालिए नोटबुक निकालिए पेज के ऊपर लिखिए सी डब्ल्यू और आज की तारीख लेफ्ट कॉर्नर में 12 अक्टूबर 2021 ओके तो पहले हम टमाटो ड्रॉ करेंगे ठीक है पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे टमाटो टमाटर ड्रॉ करेंगे ठीक है तो बच्चों एक बड़ा सा सर्कल निकालिए ऐसे एक बड़ा सा आपको सर्कल निकालना है ठीक है फिर आप उसको एक ऐसे स्टेम निकालेंगे अंदर की तरफ लेके आइए
और फिर ऐसे उसकी पत्तियां निकालेंगे, ठीक है। ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर, हो गया। अब हम उसे कलर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। तो अब बताइए मुझे, टमाटर का रंग कैसा होता है? रेड। सो टेक योर रेड कलर एंड स्टार्ट कलरिंग। अच्छे से कलर करना है आपको, ओके। ये जो डंडी है उसे ग्रीन कलर करेंगे, हरा कलर। हिंदी में ग्रीन कलर को क्या बोलते हैं? हरा कलर। और रेड कलर को क्या बोलते हैं? लाल कलर। ट से टमाटर, ट से टमाटर। वेरी गुड अद्वैत, बहुत अच्छा कलर किया है, ड्रॉ भी बहुत अच्छा किया है। ट से टमाटर, ठीक है, हो गया सबका। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड रिया। तो चलो अब हम लिखते हैं ट, ठीक है। तो पहले हम आज हम पैटर्न नहीं लिखेंगे क्योंकि ट तो बहुत आसान है ना। तो फिर बच्चों ये जो पहली और दूसरी लाइन है उसके बीच में आएगी स्टैंडिंग लाइन, और फिर नीचे सेमी सर्कल, और ऊपर स्लीपिंग लाइन ट। आपको ट चार बार लिखना है। ट से टमाटर, ठीक है, ऐसे आपको चार बार ट लिखना है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी लिखिए, स्टैंडिंग लाइन और सेमी सर्कल और एक स्लीपिंग लाइन, एक खड़ी रेशा, फिर एक अर्ध गोल, और ऊपर पहली लाइन के ऊपर आड़ी रेशा। ट, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ऐसे आपको अच्छे से बोलते हुए लिखना है, ठीक है। देखिए अच्छे से आपको बोलते हुए लिखना है। पेज टर्न कीजिए, हम दूसरा व्यंजन लिखेंगे ठ। क्या लिखेंगे हम अभी ट के बाद? ठ। तो लिखिए सी डब्ल्यू और आज की डेट, ठीक है। और फिर हम ठ से ठप्पा यानी कि स्टैंप का ड्राइंग निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है,
एक सेमी सर्कल निकालना है, ऐसे ऐसे सेमी सर्कल निकालिए, फिर उसके बाद एक ऐसी कर्व लाइन आपको निकालनी है। देखिए ऐसे, ठीक है, आपको एक ऐसी कर्व लाइन निकालनी है। और फिर दो स्लांटिंग लाइंस और एक कर्व लाइन, फिर से एक कर्व लाइन ऐसे, ठीक है। हो गए यहां तक? और फिर यहां से एक छोटी सी स्लांटिंग लाइन और बीच में से ये जो कर्व लाइन है उसके बीच में से और एक स्लांटिंग लाइन, और फिर यहां से एक स्लांटिंग लाइन, फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, और फिर यहां से यहां तक स्टैंडिंग लाइन, फिर उनको भी जोड़ना है, और फिर इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक एक स्टैंडिंग लाइन आएगी और यहां से एक स्लांटिंग लाइन आएगी, ठीक है। ठ से ठप्पा, क्या है ये? ठ से ठप्पा, क्या निकाला हमने? ठ से ठप्पा। और अब हम ठ से ठप्पा, अब हम इसे अब हम इसे कलर करेंगे ब्लू और ब्राउन और ब्लैक कलर से, काले और पूरे कलर से, ओके। तो यहाँ पे हम ब्राउन कलर करेंगे, और यहाँ पे ब्लैक कलर, हल्के से ब्लैक कलर करना है आपको, बहुत डार्क नहीं करना है, ओके, हल्के से करना है। देखिए ऐसे डार्क डार्क नहीं करना है, हल्के से कलर करना है। ये देखिए इसे आपको हल्के से ही कलर करना है। हो गया यहां तक? अब हम ठ लिखते हैं, ओके। अब हम पैटर्न के साथ लिखेंगे, तो पहले आपको एक ऐसी कर्व लाइन निकालनी है, देखिए यहाँ पे, फिर कर्व लाइन निकालने के बाद नीचे की ओर एक कर्व लाइन, ये कर्व लाइन के बाद एक सेमी सर्कल थर्ड लाइन तक, और फिर ये सेमी सर्कल को हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे ऐसे, और स्लीपिंग लाइन ठ, ठ
ठीक है, ऐसे हम चार बार ठ लिखेंगे। तो पहले कर्व लाइन, कर्व लाइन से सेमी सर्कल, कर्व लाइन सेमी सर्कल और ऊपर की ओर एक सेमी सर्कल और स्लीपिंग लाइन, ये बन गया ठ। ठ से ठप्पा, चार बार आपको पैटर्न्स लिखने हैं, फिर उसके बाद आपको पूरे तरह से ऐसे ठ लिखना है। ओके, ठ से ठठेरा, ठ से ठप्पा, ठ से ठठेरा, ठ से ठप्पा, ऐसे आपको अच्छे से बोलते हुए ठ लिखना है। ओके, ठ आपको लिखना है। अब जब आपका ये ठ लिखे होगा, नेक्स्ट पेज के ऊपर आप होमवर्क लिखोगे। एक दो बार ट और दो बार ठ, ठीक है, ये है आपका होमवर्क। ओके, ठ लिखने के बाद आपको होमवर्क में दो बार ट और दो बार ठ लिखना है। ठीक है बच्चों।